अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दोपहर में सोने का मजा ही कुछ और होता है। हम तो चले सोने। क्या हुआ दादी सास जी? तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तुम मौके का फायदा नहीं उठा करके सोने जा रही हो। मतलब हम कुछ समझे नहीं। अरे तुम इतनी भोली हो, नौकरानी घर पर नहीं है, मौके का फायदा उठाओ, दिव्यन पर अपना कुछ जादू चलाओ, उसके लिए अच्छा अच्छा बेमिसाल खाना बनाकर उसे खिलाओ। पर दादी सास जी, हमें तो नए तरीके का खाना बनाना आता ही नहीं, हमें तो वही दाल रोटी आती है। तुम्हारे पास सब साधन है पर तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर रही। अरे तुम्हारा फोन किस दिन काम आएगा? उसमें से रेसिपी निकालो और कुछ अच्छा बनाओ जी। लड़कों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। जाओ जाओ जाओ। इतना नुकसान हो गया मेरा आज, और तुम्हें घूमने की पड़ी थी अपने पति देव के साथ। सिर्फ घूम क्यों रही हो? तुम जाके फिल्में देखो, जो करना है वो करो, मगर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। तो आज राधिका को कुछ ज्यादा ही डांट दिया मैंने। मैं जानता हूं जो भी किया है ना उस कली ने ही किया है, वरना राधिका ऐसी लापरवाही करती नहीं। जाके उसे सॉरी बोल देता हूं, वरना मुझे ही गिल्टी फील होता रहेगा। माँ, ताई जी, आपने राधिका को देखा? हाँ, वो तो उस मोटे के साथ मेरा मतलब है स्वामी के साथ बाजार गई है चाट पकोड़े खाने। क्या? हाँ मुन्ना, वो बुआ ने कहा तो राधिका को जाना पड़ा। बड़ी दादी ने कहा और राधिका ने मान लिया? बिल्कुल नहीं। दिव्यम, राधिका बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। मैंने जिज्जी को समझाने की कोशिश भी की कि राधिका को ना भेजे, पर तुम जानते हो ना जिज्जी को, उनके आगे किसी की कहाँ चलती है। इसलिए बेचारी राधिका को मजबूरी में स्वामी के साथ जाना पड़ा चाट पकौड़ी लेने के लिए। दादी, तो फिर क्यों जाने दिया आपने उसे? किसी अनजान आदमी के साथ कैसे जाने दे सकते हैं हम उसको? और जानते हैं कितना है हम उस गेंडा स्वामी को, एकदम चालू इंसान लगता है वो मुझे। मुझे जाना होगा, कहीं राधिका को कोई दिक्कत ना हो, किसी मुसीबत में ना हो। ये बिल्कुल सही रहेगा, जाओ। स्वामी जी, आप थोड़ा जल्दी जल्दी खा लीजिए ना, घर जाने के लिए देर हो रही है। राधिका जी, घर वालों से पहले ना हम अपने पेट पूजा करना चाहते हैं, तो कम से कम 10 प्लेट तो खाएंगे आज। हाँ, वो तो मालकिन का फोन आने वाला है इसलिए हम आपके पास खड़े हैं, वरना तो हम दूर ही रहते। लगता है माता जी की उम्र बहुत लंबी है, उनका नाम लिया और उनका फोन आ गया। जी माता जी, हम साथ में ही है। अच्छा है, साथ में ही रहना, हम वीडियो कॉल करके चेक करते रहेंगे। जी जी। अब तो जल्दी जल्दी खाइए ना। राधिका जी, हम यहाँ अकेले खा रहे हैं, बहुत अजीब सा लग रहा है, आप भी खा लीजिए ना। नहीं, आप खाइए, हमें नहीं खाना है। अरे बहुत अच्छे हैं, खाइए खाइए, एक तो खाइए। अरे खा लीजिए, हमारे आते। नहीं नहीं, आप खाइए, मैं नहीं खाऊंगी। स्वामी जी, एक मिनट। ये जो पति बनने का नाटक है ना, ये सब आप घर में खींचे, बाहर आपको ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर हम अजनबी हैं तो अजनबी की तरीके रहिए हमारे साथ, थोड़ी दूरी रखिए हमसे प्लीज। ठीक है राधिका जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, हम खा लेते हैं, उसमें क्या है। अरे अम्मा, हमें काय लिया है आप अपने साथ ये औरतों वाली शॉपिंग में? अनु को बोलना था ना अपने साथ आने के लिए। कदम फूटे हमारे,
अच्छा वो अनु को नहीं लेके आई, वरना तुम्हारा खाता है ना नील बट्टा सन्नाटा कर देती हूँ। मुन्ना नहीं, तू नहीं जा सकता। क्यों? माँ क्योंकि मुन्ना अभी अभी ऑफिस से घर वापस आया है और अगर ऐसे अचानक से चला जाएगा, गायब हो जाएगा तो बुआ को शक हो जाएगा। हाँ और वैसे भी आजकल बुआ जी की नजर हमेशा राधिका और दिव्यम पर ही रहती है। माँ लेकिन मैं ऐसे घर पे ही तो नहीं बैठ सकता ना, राधिका इस घर की बहू है, जिम्मेदारी है हमारी, और उस स्वामी ने अगर गलती से भी उसके साथ कोई बदतमीजी कर ली तो उसका जवाबदार कौन होगा? I'm sorry माँ, लेकिन मुझे जाना होगा। मुन्ना तू नहीं जा सकता। हमें भी है राधिका की फिक्र मुन्ना, लेकिन तू नहीं जा सकता। अरे कहा ना, राधिका का भाई गोलू चला जाएगा उसे लेने। माँ देखो सुजाता, तुम अपने झमेलों में मेरे गोलू को मत घसीटो। घसीटने की जरूरत नहीं है माँ, मैं खुद अपनी मर्जी से जाऊंगा। गोलू तुझे क्यों जाना है? क्योंकि मेरी बहन को कोई दिक्कत ना। थैंक यू सो मच गोलू भैया हमारी मदद करने के लिए। I'm very sorry, मैं जानता हूँ कि हमारी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी चाची ये दिव्यम भी ना, दिक्कत कैसे, राधिका मेरी बहन है, तू चिंता मत कर, मैं उसे देख कर आता हूँ। इस गोलमुखी ने मेरे बेटे को राखी बांधकर भाई नहीं बल्कि अपना बॉडीगार्ड बनाकर रख दिया है, छोड़ूंगी नहीं उसे। अरे भैया बनाइए और बनाइए। और वैसे राधिका जी आप कब से काम कर रही हैं यहाँ पर? नहीं मतलब एक नौकरानी के लिए इतना तामझाम, हमें नकली पति बना के लाया गया है यहाँ पर, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये हो क्या रहा है आप... अरे बनाइए ना। स्वामी जी आप ये सब छोड़िए, थोड़ा जल्दी जल्दी खा लीजिए, घर जाने के लिए देर हो रही है, और वैसे भी कलीजू की चुनिया बनके तैयार हो गई होंगी, हम लेकर आते हैं, आप तब तक खा लीजिए। जी जी। राधिका को कहीं देखा ऐसा लग रहा है। अरे राधिका यहाँ कैसे आ सकती है? कुछ भी रंजीत, क्या गिटर पिटर करे जा रही है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब इसको सबक सिखाने का यही मौका है। अरे वाह काली बेटिया, पिज्जा बना रही हो? जी ताई साजी, हम दिव्यम जी के लिए बना रहे हैं, पर हमसे हो ही नहीं पा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे करें। कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ, बहुत आसान है। पहले ये ब्रेड लो, ठीक, फिर उसके ऊपर ये चीज डाल दो, फिर ये मेयोनीज डाल दो, ठीक है, फिर मन चाहे तरीके से जो तुमने सब्जी का आता है ना वो इसमें डाल देना, और फिर ये सॉस, और फिर से ढेर सारा चीज, लो बन गया पिज्जा। ये तो इतना आसान था, हम तो इतनी देर से फालतू में ही अपना माथा खपा रहे थे। कोई बात नहीं, अभी बना लो। हाँ।
सबसे। मुझे बहुत बुआ से डांट पड़वाई है ना तुमने, अब दिव्यम की डांट तुम खाओगी। वाह, ये लीजिए। पापा, दादी। हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमने तुम्हें देखा है। देखा अम्मा, हम सही कह रहे थे, हमने राधिका को ही देखा। हाँ राधिका, तू यहाँ किसके साथ आई है? कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही आए थे, ये कपड़े देने के लिए आए थे। आप हमारा छोड़िए, ये पापा ने क्या खरीदारी की है, इतने सारे बैग्स हैं, कोई पार्टी वगैरह है क्या? लाइए दिखाइए। अरे बनाइए ना और बनाइए। अरे भाई, हमारे ठेले का सारा गोलगप्पा तुम ही खा जाओगे क्या? पहले पैसा दो तभी गोलगप्पा मिलेगा। वो औरत देख रहे हो जो हमारे साथ थी, उसी के पास पैसे हैं, उससे मांग लो। एक काम करो, वो जो मैडम दिख रहे हैं ना उनके पास जाओ और 10 प्लेट गोलगप्पे का पैसा लेके आओ। ठीक है भैया। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।